दोस्तों, आखिर आज सुबह 11:11 पर पवनदीप राजन की दोस्त अनंत कांजीलाल के साथ क्या होने वाला था? आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसको लेकर पवनदीप राजन भी इतने ज्यादा खुश हो गए थे जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए पवनदीप राजन के दोस्त अनंत कांजीलाल से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पवनदीप राजन के दोस्त अनंत कांजीलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में पवनदीप राजन के दोस्त अनंत कांजीलाल ने लिखा था कि मैं साइली कांबले और आशीष कुलकर्णी के साथ 11:11 पर कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ। आखिर ये तीनों 11:11 पर क्या करने वाले थे, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पवनदीप राजन के दोस्त और अनंत कांजीलाल ने आशीष कुलकर्णी, साइली कांबले के साथ मिलकर हिमेश रेशमिया के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था। इस गाने का नाम एक पल भी तुमसे दूर है। इस गाने को हिमेश रेशमिया ने ही कंपोज किया है। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11:11 पर यह गाना रिलीज हो गया है। इस गाने को हिमेश रेशमिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये गाना म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया की सबसे ब्लॉकबस्टर एल्बम हिमेश के दिल से का गाना है। वेल दोस्तों, आपने इस गाने को सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।